गाइस वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि शेयर करेंगे हमारे साथ अनमोल। तो डी डे के दिन जो भी प्रोसीजर रहा है इनका, क्या पीआई का प्रोसीजर रहा है, कैसे कैसे इन्होंने ज्वाइन किया है, इनके क्या क्वेश्चन इनसे पूछे, सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं अनमोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनमोल आपकी प्रोफाइल के बारे में। थोड़ा सा आप हमें अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, प्रोफाइल के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। राइट, ओके राइट। सो मेरे 10th में 62% थे एंड 12th में 85% विद कॉमर्स बैकग्राउंड एंड अंडर ग्रेजुएशन में मेरा BBA है विद 8.5 CGPA एंड ओके। मैंने फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का करंटली इंटरव्यू दिया है। तो ये आपने कैट के थ्रू था आपका, जेट के थ्रू था? ये कैट के थ्रू था एंड कैट में मेरे परसेंटाइल 80 थे, टू बी प्रिसाइज इट वाज 79.90। ओके गुड। तो ये अच्छा, आप अपने जो आपका डेट था, जिस दिन आपका इंटरव्यू था, वो डेट क्या थी आपकी एंड आपका टाइमिंग क्या थी? द डेट वाज 12 ऑफ फेब्रुअरी व्हिच इज टुडे इटसेल्फ, 12 फेब्रुअरी एंड इट वाज आफ्टरनून स्लॉट, अराउंड द टाइम वाज 12:10 o'clock, टाइम 12:10। 12:10। ओके गुड। तो इसमें इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि क्या क्या होता है प्रोसीजर में डी डे के दिन। ऐसे पर्सनल इंटरव्यू तो था, इसके अलावा भी कुछ था प्रोसीजर में या सिर्फ यही था? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सुबह का सेशन रखा था, उसमें पहले जो लिंक प्रोवाइड करी थी उसमें 9 बजे ज्वाइन करने का बोला था। सो उसमें टोटल जो कॉलेज का कैंपस लाइफ और हॉस्टल लाइफ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था, टोटल डिस्क्राइब किया था, एवरेज प्लेसमेंट्स एंड फीस के रिगार्डिंग सारा, मतलब जो भी प्रोसीजर था वो समझाया था। तो वो हाफ एन आवर का वो सेशन था, वो 9 बजे चालू किया था एंड उसके बाद जो इंटरव्यू थे वो 10 से चालू कर दिए थे एंड मेरा जो उसमें स्लॉट था वो 12 के अराउंड था एंड फिर 12 पे मेरा इंटरव्यू चालू हुआ एंड इंटरव्यू में अच्छा फर्स्ट एक ऑफ ऑल चीज उन्होंने अनमोल, जैसे आपने बताया कि आपका आफ्टरनून स्लॉट था, तो ये आपको तो पहले ही पता चल गया अब आपका आफ्टरनून स्लॉट है, इसके बावजूद भी आपको 9 बजे ज्वाइन करना पड़ा था? हाँ 9 बजे, मतलब हमको ऐसा था मेल पे दो लिंक्स भेजी थी, उसमें मेंशन किया था कि 9 पे जो स्लॉट है वो ओनली, मतलब उसमें सारे जो जितने भी इंटरव्यूज थे सबको ज्वाइन करना था एंड उसमें सबके लिए वो मीटिंग रखी थी कि कॉलेज का एक आपको ब्रीफ मिल जाए, उसके लिए था वो। ठीक है, तो आपका जो फाइनल जो स्लॉट था वो आपका आफ्टरनून का था, तो उसके बाद आपने कॉल ड्रॉप करके दूसरा लिंक ज्वाइन किया होगा 12:30 का, 12:10 कह रहा हूँ। हाँ ठीक, तो जब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले मुझे एक चीज़ और, ये आपके जो लिंक्स ज्वाइन हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपका जो इंटरव्यू था पूरा ऑनलाइन था। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर 3 पैनलिस्ट, 2 मेल एंड 1 फीमेल एंड जो एक मेल पैनलिस्ट थे वो अपना कैमरा ऑफ रख रहे थे एंड जब उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन था तब वो कैमरा ऑन रख रहे थे एंड ऑल द 3 ऑफ देम वर वेरी पोलाइट एंड दे वर लाइक सपोर्टिव एंड दे वर ईगर टू लिसन वॉट आई एम सेइंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वैसे इंट्रोडक्शन का होता है बट ऐसा नहीं था, उनके पास जो मेरी फाइल थी पूरी रेडी थी उसमें से उन्होंने, जैसे मेरे को स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है, मैं ट्रेड भी करता हूँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पहले तो मेरी प्रोफाइल पे किया एंड देन फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ ही पूरा डाइवर्ट कर दिया इंटरव्यू। उन्होंने पहले तो प्रोफाइल पूछी मेरी, उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे उन्होंने पूछा कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें से कौन से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 1 ईयर में काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं एंड 2 स्टॉक्स ऐसे जो पिछले 1 ईयर में काफी पुअर परफॉर्म किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड इसके बाद उन्होंने ये पूछा कि 2 म्यूचुअल फंड मुझे ऐसे बताइए जिसमें मेरे को एवरेज रिस्क चाहिए एंड एवरेज रिटर्न चाहिए, तो आप कौन से 2 म्यूचुअल फंड्स आप रिकमेंड करेंगे। तो ये जो ये आपने क्वेश्चन बताया था था, ये स्टॉक पूरी जो मार्केट से। प्रोफाइल बनी हुई थी, ये आपसे आपके फॉर्म के टाइम पे पूछा गया होगा सारा डाटा कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक हाँ ये उस टाइम पे पूछा गया था बिल्कुल। है, तो अच्छा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको क्या लग रहा था उनमें से भी कोई ट्रेडिंग करता होगा ऐसा?
एक सर जो थे मेल, उन्होंने क्लियरली बोल ही दिया था कि मेरे मतलब ये मेरा आउट ऑफ टॉपिक है, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। बट फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं ऐसा मतलब मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में समझ नहीं है, तो आप मुझे इसके बारे में ऐसा एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि मुझे इसमें मतलब अभी इंटरेस्ट आ रहा है आपके आंसर सुन के। तो उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछा था। एंड जे एक मैम थी जिन्होंने ये दो क्वेश्चंस निफ्टी के बारे में और स्टॉक्स के बारे में किए थे, वो उनको देख के लग रहा था वो ट्रेड करती हैं। ओके तो ये आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या था आपके लिए? इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मेरी सिटी पे एंड स्टेट पे क्वेश्चन किया, एंड मेरी सिटी इंदौर है। सो वो पूछ रहे थे कि इंदौर में अभी ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एंड इसके अलावा इंदौर किस चीज़ के लिए फेमस है, एंड इसके अलावा ये भी पूछ रहे थे कि इंदौर इज ऑल्सो नोन एज विच इज मिनी मुंबई। आई आंसर्ड, ओके ये क्वेश्चन थे इसके बाद। तो क्या क्या डेवलपमेंट रिसेंट में हो रहे हैं? तो बेसिकली थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड वो पूछना चाह रहे थे। ऐसे अभी रिसेंट में बैगर फ्री बिल्कुल सिटी के नाम से भी आया था, काफी बड़ी हेडलाइंस आई थी। बिल्कुल, एंड इसके अलावा क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th टाइम, ये भी मैंने मेंशन किया उसमें। ठीक है, तो इसमें अंदर कोई मतलब डीप डिगिंग भी हुआ था कुछ अंदर, और भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे थे या बस बार बार से पूछ के आगे बढ़े? बार बार से ही पूछा था, मतलब सारे पैनलिस्ट कुछ भी ग्रिल करने की कोशिश भी नहीं की, नॉर्मल एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन था। एंड काफी अच्छा उनका भी एंथुजियाज्म था एंड पॉजिटिव माइंडसेट था उनका। तो सिटी के बाद फिर आपके लिए क्या क्वेश्चंस थे? ठीक सिटी के बाद फिर वो मेरे परसेंटेज पे आए, एंड वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपके 10th के परसेंट इतने कम क्यों हुए। तो मैंने उनको बताया कि जो 10th में सब्जेक्ट्स थे वो मेरे आउट ऑफ इंटरेस्ट थे, एंड उसके बाद जब 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन आता है उसमें मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है वो मैंने सिलेक्ट किए, एंड उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ सीधा स्ट्रेट गया है। सो ऐसा आंसर किया मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट। उसके बाद वो ये पूछ रहे थे कि आप अभी जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप मतलब पूछ रहे थे कि आप जो न्यूज़ अलर्ट्स रहते हैं, आप न्यूज़ के आपके सोर्सेस क्या रहते हैं, एंड पूछ रहे थे कि आप कोई सी एप्स यूज करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं CNBC आवाज़ चैनल देखता हूँ, उसमें जो भी करंट सिनेरियो रहता है मार्केट का वो पता चल जाता है। एंड इसके बाद एप्स के लिए मैंने बताया कि टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स रहते हैं जो स्टॉक स्टडी करते हैं। एंड इसके बाद मैंने ये बताया कि TOI की एक ऐप है, वो भी न्यूज़ के लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, अच्छा एनालिटिकल थिंकिंग भी आपकी इसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया, मतलब लाइक आपसे पूछा उन्होंने कि एनालिटिकल कैसे देखते हैं आप सारे के सारे स्टॉक्स को, अपना खुद का कुछ परफॉर्म करते हैं, ग्राफ सराफ जनरेट करते हैं या? ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड था ऐसा क्वेश्चन आएगा, एंड मैं उसके लिए रेडी भी था, बट ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। हाँ, नहीं है? चलिए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? उसके बाद नेक्स्ट वो लोग मेरे पोर्टफोलियो पे आए, वो लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से स्टॉक्स अभी होल्ड करते हैं, एंड वो लोग ये पूछ रहे थे कि कौन सा आपके स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं कुछ पास्ट ईयर्स में। एंड वो पूछ मतलब वो बेसिकली जो मैम थी वो काफी इसमें इंटरेस्टेड थी, तो मेरा इंटरव्यू मतलब काफी इसी साइड पर डाइवर्ट हो गया था, एंड उसको अच्छे से फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। आपने बेसिकली क्या ट्रेडिंग कर रखी थी खुद से? पैपिंग नहीं था तो आपके लिए बड़े मतलब आसान रहा होगा ये सब आंसर्स पे। बिल्कुल, मेरे को मतलब एक्चुअली ऐसा था कि प्रिपेयर्ड था मैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को इसके बारे में पहले प्रिपेयर करना पड़ा। जो मैंने किया है उसके बारे में अच्छा नॉलेज है ही, तो मुझे उसके बारे में मतलब वरी करने की जरूरत नहीं थी। जो भी क्वेश्चन था आई वाज लाइक रेडी फॉर इट। ठीक है, एंड तो आखिरी में सर ने मुझे ये भी बोला कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आया, वैसे दूसरे कैंडिडेट्स टाइम लेते हैं आंसर देने में, 1 मिनट सोचते हैं, बाकी आपके आंसर्स क्विक थे, उसमें भी रिव्यू था। ये लास्ट में बोला आपको, मतलब आपका इंटरव्यू यहाँ हाँ, पर एंड हुआ है। और अच्छा, इसमें और भी कोई प्रोसेस एक्सटेम्पोर भी था या सिर्फ इंटरव्यू ही था? इसमें एक्सटेम्पोर भी इंक्लूडेड था, जिसका टॉपिक इन्होंने मुझे दिया था वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ और नॉट। तो मैंने उस पर भी बोला, फिर उसके लिए 1/2 मिनट था सोचने के लिए एंड पॉइंट्स गैदर करने के लिए, नोट पैड में लिख सकते थे, एंड 1 मिनट स्पीक करना था।
वही हाफ मिनट लिया मैंने, और न्यूट्रल साइड तो नहीं बोल सकता, बाकी यही बोला कि बैलेंस करना चाहिए, मिथ नहीं है, क्योंकि जो पर्सन जो है अगर वर्क लाइफ बैलेंस करके चले और पर्सनल स्पेस भी दे, खुद को पर्सनल टाइम भी दे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, इसमें क्रॉस ये बोला क्वेश्चन मैंने। हुई थी आपसे इससे, या फिर बस आपने अपना बोलने के बाद नहीं स्विच नहीं किया? इसमें क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इसमें बस उन्होंने मेरे रिव्यूज, मतलब जो मेरे व्यूज थे वो सुने, इसके अलावा उन्होंने इस पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं। चलिए, ये पूरा जो प्रोसीजर था आपका इंटरव्यू का, ये कितनी देर चला? ये अराउंड 10 मिनट्स चला था, ज्यादा नहीं चला। 10 मिनट्स में हो गया, ठीक है। तो आपका जो नंबर था 12:10 के अराउंड स्टार्ट हुआ था आपका इंटरव्यू, राइट? और 10 मिनट्स में 12:20 के राइट, अराउंड आपका खत्म हो गया होगा। तो बिल्कुल। इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर था उनका फीडबैक सबमिशन का, या फिर बस यहीं पर आपको ड्रॉप ऑफ करना था? बस ये जैसे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और आंसर्स क्विक थे, इसके बाद उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट बोला और फिर मीटिंग एंड करने के लिए बोल दिया था, तो वहां मैंने मीटिंग नहीं कर दी। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनकर। आई होप कि अभी ये वीडियो और भी लोगों के काम आए। और अभी बिल्कुल, इंटरव्यू अभी इसके चल रहे हैं या अभी ख़त्म हो चुके? ठीक इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, अभी शायद 1-2 दिन और प्रोसीजर है, एंड मेरे को भी अभी इसका रिसेंटली इसी वीक में कॉल आया था, सो आई थिंक अभी प्रोसेस चालू है इसकी। है, चलिए, काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे, और आई होप कि आपका कन्वर्ट हो जाए ये कॉलेज। बिल्कुल, थैंक एंड गाइज, ऐसी यू और सो मच। इन्फॉर्मेटिव या वेलकम गाइज, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।